हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी। आज हार्ट टू हार्ट टॉक में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैं बहुत पहले से बात करना चाहती थी। अब जैसे सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है कि यही सही टाइम है इस बारे में बात करने का। एक चीज़ को लेकर एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, तो आप लोग मुझे बताइए कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं। तो बात है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब भी, और कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको इन्फ्लुएंस करती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं फेसबुक पे क्यों एक्टिव नहीं हूँ। मुझे याद है फेसबुक मैंने 10-12 साल पहले शुरू किया था, और जब मैंने शुरू किया था तो मुझसे ये कहा गया था कि फेसबुक पे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने पुराने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते हैं, आप नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से बातें कर सकते हैं और अपनी लाइफ शेयर कर सकते हैं, अपना मूड शेयर कर सकते हैं। तो इसी इंटेंशन के साथ मैं फेसबुक से जुड़ी थी। तो शुरुआत के जो 2-3 साल थे मैं बहुत ज़्यादा फेसबुक पे एक्टिव थी। मैं हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करती थी, मेरा मूड शेयर करती थी, मैंने ये मूवी देखी, मैं इन लोगों से मिली, मैं अपने दोस्तों से मिली, सारा एल्बम डाल देती थी फेसबुक पे। मैं फेसबुक के बारे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ। मैं ट्विटर पर इतनी एक्टिव नहीं हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पर उतनी एक्टिव हूँ। तो फेसबुक पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो मैं वही देख रही थी कि लोग फेसबुक दिखावे के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि पर्सनल लाइफ में कुछ और ही चल रहा होगा, लेकिन वो दुनिया के सामने कुछ और ही प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँगी, एक कपल, तो जैसे उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ और ही प्रॉब्लम चल रही होगी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो बहुत ही हैप्पी पिक्चर्स डालेंगे, हॉलीडे पिक्चर्स डालेंगे। तो दिखावा ज़्यादा हो रहा था, तो ये चीज़ तो थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा खटकी, वो ये है कि लोग सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रमोट करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। मेरे जानने वाले, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रमोट कर रहे थे, ये जैसे उनके अनऑफिशियल कार्यकर्ता बन गए। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और अगर आप देख रहे हैं कि न्यूज़ में उस पार्टी के बारे में कुछ गलत कहा जा रहा है, तब आप उसके बारे में व्यूज़, अपने ओपिनियन दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो समझ में आता है, दैट इज़ फाइन, आपको फुल राइट है वो करने का। लेकिन मैं देख रही थी कि कुछ लोग थे जो बिना मतलब प्रमोट कर रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं ये पार्टी बहुत अच्छी है, ये वो करती है, ये फलाना करती है, ये ढिकना करती है, और ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से हो रहा था। मैं बस ऑब्जर्व कर रही थी दूर से कि ये हो क्या रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ पोस्ट अजीब, अचानक से कहीं से कोई पोस्ट आ जाए कि ओके ये पार्टी बहुत अच्छी है, ये फिर अगले हफ्ते एक और पोस्ट आ जाए, और एक हफ्ते बाद एक और पोस्ट आ जाए, आए जा रहे हैं। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स को पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच करती है प्रमोशन के लिए, अपने पार्टी का प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि एक बॉलीवुड स्टार की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है। तो अगर वो जिसको भी प्रमोट करे तो उसके जो फैंस हैं उसे ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए तैयार हैं। तो इस वजह से एक बिजनेस की तरह होता है, आप मुझे पैसे दो, मैं आपकी पार्टी को प्रमोट करूंगा, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आपकी तारीफ करूंगा, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलूंगा। एक पोस्ट दिया जाता है इनको, और सारे स्टार्स वही पोस्ट एक साथ में आप देखेंगे, सारे स्टार्स उसी बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ फाइन। बॉलीवुड स्टार्स का काम ही है पैसे दे के प्रमोट कर रहे हैं, इस बारे में मैं अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहती क्योंकि वो एक अलग ही बात हो जाएगी। मैं बस बोलूँ ये उनका काम है जो वो कर रहे हैं। सेम चीज़ होती है न्यूज़ चैनल्स के, न्यूज़ चैनल्स का काम ही है ये कि छोटी सी बात का सनसनीखेज खबर बनाना, क्योंकि वो चाहती है टीआरपी। आप देखिए इंडिया में कितने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, हर जगह सेम न्यूज़ चलती है, तो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए हर न्यूज़ चैनल का अपना तरीका होता है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अब वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं उस पर भी मुझे टिप्पणी नहीं देनी, लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब हमारे ही फैमिली मेम्बर्स, हमारे ही रिलेटिव्स, हमारे ही दोस्त हमारे व्यूज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। अगर हम रोज़ अगर कुछ ना कुछ पढ़ते जा रहे हैं, हम ब्लाइंडली बिलीव करते हो कि मेरा ये रिश्तेदार है जिसपे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, अगर वो उस पार्टी को सपोर्ट करता है तो मुझे भी उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, वो कर रहा है तो मतलब सही कर रहा होगा, तो हम बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और मैं ये देख रही थी कि यही चीज़ हो रही थी फेसबुक पे। तो कुछ लोग जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ वो लोग ऐसा कर रहे थे, तो जिस वजह से मैं उस चीज़ से थोड़ा हट गई। और फेसबुक पे एक और चीज़ हो रही है कि इतना हेट्रेड है, यू नो, मेरे को कभी कभी लगता है कि जानबूझकर लोग कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ बोल देते हैं जिस पर आर्ग्यूमेंट होता है, लोग गालियाँ देने लग जाते हैं एक दूसरे को, और इतना टॉक्सिक हो जाता है कि फेसबुक जैसे पहले था, 10 साल पहले था,
वैसा अब नहीं रहा, उसके मायने बदल गए। अब मैं 5 मिनट भी फेसबुक देखती हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जब मैं कॉमेंट्स पढ़ती हूँ एक चीज़ को लेकर जो बातें हो रही हैं, लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कोविड सिचुएशन की वजह से हम ऑलरेडी बहुत ही वल्नरेबल हैं, तो इस वक्त हमें इस नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं, तो जितना हो सके इससे दूर रहने में समझदारी है। तो इसलिए मैंने फेसबुक को टाटा बाय बाय कह दिया है। मैं साल में 1 या 2 पोस्ट करती हूँ, वो भी DP अगर चेंज करना हो तो, और कुछ नहीं। मुझे यहाँ पे अपने व्यूज़ नहीं शेयर करने, मुझे अपना ओपिनियन जो है वो किसी पे थोपना नहीं। मेरा ओपिनियन है वो मेरे पास ही रहेगा, जब तक मुझसे पूछा नहीं जाए मैं तब तक देना नहीं चाहूँगा। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा इंटेंशन फेसबुक को ख़राब बताना नहीं है। फेसबुक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो, जिस वजह से फेसबुक को बनाया गया था अगर उसी तरह से उसे यूज़ किया जाए तो फेसबुक से अच्छा सोशल नेटवर्किंग साइट और कोई नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि 2 हफ्ते पहले मैं अपनी नर्सरी की फ्रेंड के साथ कनेक्ट कर पाई थी, जिससे मेरा 20 साल से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। फेसबुक की वजह से मैं उससे बात कर पाई, उससे कनेक्ट कर पाई। तो अगर फेसबुक नहीं होता तो मैं शायद उसे ढूंढ नहीं पाती। लेकिन कुछ लोग जो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने व्यू सब पर स्मार्टली थोप रहे हैं, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, हमें अपना रिसर्च खुद करना है, हमें सिर्फ कहीं सुनी बातों पर बिलीव नहीं करना है। इसने कहा तो सही है, उस न्यूज़ चैनल ने कहा तो सही है, मेरे उस दोस्त ने कहा तो सही होगा। नहीं, उनके वो अपने व्यूज़ हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि उन चीज़ को मानना है। आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, आप अपना रिसर्च कीजिए, आप 10 चीज़ों को सुनिए फिर अपना एक ओपिनियन बनाइए। तो सोशल मीडिया पर जब आप पर इतना सारा इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड किया जाता है तो आप खुद सोच नहीं पाते, आपको सोचने का वक्त ही नहीं दिया जाता। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन एंड में ओपिनियन आपका अपना होना चाहिए, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है फेसबुक को लेकर। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ये आप लोगों ने भी नोटिस किया है या नहीं। जो भी है, आप अपने व्यूज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल अर्बन लेडी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी मेरा कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चल जाए।